नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करेंगे विनय विद्या रामा के 13 दिन के कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे पेट्टा और विश्वासम के भी 13 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे बॉलीवुड की फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के भी पूरे 13 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे कि इन चारों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कितने करोड़ का कारोबार किया और इसमें से कौन सी फिल्म हिट रही और कौन सी फ्लॉप। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहां पे आपको मिलेगी बॉलीवुड और साउथ फिल्मों की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट सबसे पहले शुद्ध हिंदी में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें पेट्टा मूवी के बारे में, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कार्तिक सुब्बा राज ने, और इस फिल्म में नज़र आ रहे हैं सुपरस्टार रजनीकांत और उनके साथ है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विजय सेतुपति। दोस्तों इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पूरे 13 दिन हो चुके हैं। आपको बता दें ये एक तमिल फिल्म है जिसे तेलुगु और हिंदी डब में भी रिलीज किया गया था। अगर बात करें पेट्टा के बजट के बारे में, तो पेट्टा का बजट है लगभग 90 करोड़ रुपये और इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल राइट्स बिके थे 150 करोड़ रुपये में। दोस्तों फिल्म ने 13 दिनों में काफ़ी अच्छा कारोबार कर लिया और फिल्म सुपरहिट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें इस फिल्म के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस फिल्म ने इंडिया में अभी तक लगभग 182 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के ओवरसीज यानी विदेशी कमाई की, तो इस फिल्म ने ओवरसीज में अभी तक कमा ली है 78 करोड़ यानी 78 करोड़ रुपये। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन होता है 13 दिन का, वो हो चुका है 260 करोड़ रुपये। वही दोस्तों अगर बात करें विश्वासम मूवी के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शिवा ने, जो इससे पहले वेदलम, विवेगम और वीरम जैसी शानदार फिल्में बना चुके हैं। दोस्तों इस फिल्म में नज़र आ रहे हैं थला अजीत कुमार और उनके साथ है लेडी सुपरस्टार नयनतारा। दोस्तों आपको बता दें ये एक तमिल फिल्म है और इस फिल्म का बजट भी बताया जा रहा है लगभग 90 करोड़ रुपये, और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पूरे हो चुके हैं 13 दिन और फिल्म ने 13 दिनों में काफ़ी अच्छा कारोबार भी कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फिल्म को जो रिव्यूज़ मिले थे वो काफ़ी पॉजिटिव थे और फिल्म एक फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म बताई जा रही है। अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने इंडिया में अभी तक लगभग 163 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। वहीं ओवरसीज में इस फिल्म ने अभी तक लगभग 75 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। इसी के साथ दोस्तों विश्वासम का जो 13 दिन का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 238 करोड़ रुपये। आपको बता दें दोस्तों विश्वासम फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो चुकी है। वही दोस्तों अब बात करें बॉलीवुड की फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म में नज़र आ रहे हैं परेश रावल, मोहित रैना, विक्की कौशल और यामी गौतम। दोस्तों इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 13 दिन पूरे हो चुके हैं और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल का बिजनेस करने में कामयाब रही है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने ओपनिंग तो काफ़ी कम ली थी, लगभग 8.5 करोड़ की, लेकिन जैसे जैसे इस फिल्म के रिव्यूज़ बाहर आए और फिल्म पब्लिक को पसंद आने लगी, उसके बाद इस फिल्म के जो कलेक्शन थे वो पहले दिन से भी ज़्यादा बढ़ते रहे। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली हर फिल्म के कलेक्शन पहले दिन ज़्यादा रहते, वीकेंड में थोड़े ठीक रहते, उसके बाद फिल्म के कलेक्शन कम हो जाते। लेकिन वही बात करें उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की, तो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को ओपनिंग कम मिली थी लेकिन कलेक्शन इसके दिन पे दिन ज़्यादा होते गए। अब दोस्तों फिल्म को 13 दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन फिल्म अभी भी ऐसा कलेक्शन कर रही है जैसे फिल्म अभी रिलीज हुई है और इसी हफ्ते इस फिल्म को रिलीज किया गया। दोस्तों आपको बता दें फिल्म का बजट सिर्फ 25 करोड़ है और पोस्ट प्रोडक्शन मिला के इस फिल्म का जो टोटल बजट बना था वो था लगभग 40 करोड़ रुपये। अब दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने 12 दिनों में ही इंडिया में लगभग 122 करोड़ का कारोबार कर लिया था। वही 13वें दिन जिस हिसाब से इस फिल्म को रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये फिल्म 4 से 5 करोड़ का कारोबार और अपने 13वें दिन कर लेगी। तो इसी के साथ दोस्तों उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का इंडिया में टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 126 से 127 करोड़ रुपये हो चुका है। वही दोस्तों अगर बात करें उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के ओवरसीज यानी विदेशी कमाई के बारे में, तो फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 23 करोड़ का कारोबार कर लिया है। इसी के साथ दोस्तों उरी द सर्जिकल का वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 149 करोड़ रुपए हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 25 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अभी तक 150 करोड़ की टोटल कमाई कर ली, और आपको बता दें दोस्तों फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई है। वही दोस्तों बात करें विनय विद्या रामा के बारे में, तो दोस्तों ये एक तेलुगु फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है बोयापति श्रीनु ने, जो इससे पहले अल्लू अर्जुन के साथ में सराय नायडू जैसी फिल्म बना चुके हैं और तारक यानी जूनियर NTR के साथ धामू जैसी फिल्म बना चुके हैं। दोस्तों विनय विद्या रामा में नज़र आ रहे हैं मेगा पावर स्टार रामचरण और उनके साथ है कियारा आडवाणी और बॉलीवुड के एक्टर विवेक ओबेराय। दोस्तों फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 13 दिन पूरे हो चुके हैं और फिल्म 13 दिन में हिट भी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें विनय विद्या रामा को काफ़ी
नेगेटिव रिव्यूज़ मिले थे और फिल्म को बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया गया था। लेकिन दोस्तों इतने ट्रोल्स और इतने नेगेटिव खराब रिव्यूज़ होने के बावजूद भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी रफ्तार पकड़ी और फिल्म ने कलेक्शन भी काफ़ी बढ़िया कर लिए। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर फिल्मों को अगर ख़राब रिव्यूज़ मिलते हैं तो उनके कलेक्शन काफ़ी कम रहते हैं। लेकिन वही बात करें विनय विद्या रामा के, तो इसको ख़राब रिव्यूज़ मिलने के बावजूद भी फिल्म ने कलेक्शन काफ़ी अच्छे कर लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें विनय विद्या रामा के हम बजट के बारे में, तो फिल्म का बजट बताया जा रहा है लगभग 90 करोड़ रुपए। वही अगर बात करें इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस फिल्म ने इंडिया में लगभग 144 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया है। वही ओवरसीज में यानी विदेश मार्केट में इस फिल्म ने लगभग 76 करोड़ का टोटल ग्रोस कलेक्शन कर लिया है। इसी के साथ दोस्तों विनय विद्या रामा का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 220 करोड़ रुपए। आपको बता दें दोस्तों फिल्म हिट हो चुकी है। तो दोस्तों ये था इन सभी फिल्मों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एवं बजट। इसमें से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? मेगा पावर स्टार रामचरण की विनय विद्या रामा, रजनीकांत सर की पेट्टा, या फिर अजित कुमार की विश्वासम, या फिर विक्की कौशल की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक? हमें अपने फेवरेट फिल्म का नाम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ बॉलीवुड और साउथ की हर एक नई अपडेट के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।